कांग्रेस ने जो गंभीर विश्वासघात किया उसे बार बार, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसे बार बार कहा जाना, बताया जाना आवश्यक है। भाइयों और बहनों, आजादी से लेकर साल 2008 तक यानी 60 साल में बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था, ये याद रखना। देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2006 तक 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक सिर्फ 6 साल में लोन का आंकड़ा बढ़कर के 52 लाख करोड़ हो गया। यानी 60 साल में 18 लाख करोड़ रुपया और कांग्रेस शासन के आखिरी 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपया। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे किया जाता था। साथियों, उस समय देश में लोन लेने के दो तरीके होते थे। एक तरीका था कॉमन प्रोसेस जिससे लोन मिलता था, और दूसरा तरीका था जिसे लोन मिलता था उसे कहते थे कांग्रेस प्रोसेस। भाइयों और बहनों, कॉमन प्रोसेस में आप बैंक से लोन मांगते थे, जबकि कांग्रेस प्रोसेस में बैंकों को मजबूर किया जाता था अपने घोटालेबाज दोस्तों को लोन देने के लिए।